सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनु कौड़ा। चर्चा दे विच रहण वाले साबका ट्रांसपोर्ट मंत्री एक बार फिर तो चर्चा दे विच आ गए ने। दरअसल जदों तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो विरोधियों का पूरा जोर लग्या होया कि किस तरीके दे नाल सरकार दे फैसलों दे विच नगोचा कढ़िया जाण, उन्हां दे काम दे विच इह दस्सिया जावे कि किस तरीके दे नाल काम सही नहीं कर रहे, उन्हां दे फैसले सही नहीं हैगे। सो अज जदों भगवंत मान सीएम भगवंत मान ने विधानसभा दे विच हे ऐलान किया कि अज तो 23 मार्च नैशनल होलीडे, जिसकी मंग लंबे समय तो हो रही थी, रवायती सरकारां ये काम नहीं कर सकियां, तो जो भगवंत मान ने अज विधानसभा दे विच ऐलान कर दिता कि हुण तो 23 मार्च नैशनल होलीडे होएगा, यानी कि 23 मार्च नूं शहीद आजम भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े ते सरकारी छुट्टी जिहड़ी आ उह कीती जाएगी। तो इस दे उत्ते राजा वड़िंग जिहड़े ने उह खड़े हुंदे ने ते खड़े होके गल कहिंदे ने कि जेकर छुट्टी देण दी बजाए एक क्लास लगाई जावे जिस दे विच कि बच्चियां नूं समझाया जावे, दस्या जावे कि शहीद आजम भगत सिंह ने शहीदी किस तरीके दे नाल प्राप्त कीती सी या की कुछ उन्हां ने देश दे लई पंजाब दे लई कीता है, सो वो सारी चीज़ उन्हां नूं समझाई जावे तो ज़्यादा वधिया होगा। इस दे उत्ते भगवंत मान होरां ने खड़े होकर एक सवाल किया राजा वड़िंग नूं कि तुहानूं पता है कि भगत सिंह दा जन्मदिन किस दिन हुंदा है। सो उन्होंने कहा कि नहीं, मैनूं नहीं पता। सो इस गल दे उत्ते पहलां तां सारे हस पैंदे ने, स्पीकर कुलतार संधवा भी हस पैंदे ने, भगवंत मान के पिछे बैठे जिन्हें विधायक होंगे ने वह भी हस पैंदे ने। सो इस राजा वड़िंग एक बार काउंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसते भगवंत मान जिहड़े ने वह कहिंदे ने कि जदों तुहानूं यही नहीं पता कि भगवंत मान का जन्मदिन किस दिन होया सी, पर उन्होंने कहा कि नाल ही कोई गल नहीं। भगवंत मान होरां ने कहा कि जिहड़ा जन्मदिन है भगत सिंह दा वह 28 सितंबर नूं हुंदा, उस दिन कोरियोग्राफी भी होएगी, उस दिन नाटक भी होएगा, तो उन्हां दे जरिए समझाउण दी कोशिश की जाएगी कि भगत सिंह दी जिहड़ी शहीदी आ उह किस तरीके दे नाल होई सी, की कुछ उन्हां दी देण है पंजाब नूं, की कुछ उन्हां दी देण है पूरे देश नूं। सो सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने उस दिन समझाइयां जाणगियां। तो इस ते राजा वड़िंग होरां ने अपने आप नूं काउंटर करन दी कोशिश की, पर स्पीकर कुलतार संधवा ने उन्हां नूं बिठा दिता, चुप करा दिता। तो लगातार जदों उह बोलन लगे तो इस दे उत्ते फिर भगवंत मान ने खड़े होकर कहा कि हुण तुसी भगत सिंह होरां दी गल ते भी बहस करोगे। सो इस गल दे उत्ते फिर सारी खामोशी छा जाती है, इस तो बाद अगली कार्रवाई शुरू हो जाती है, पर राजा वड़िंग होरी जिहड़े ने उन्हां दे चेहरे दा उस वेले रंग उड़ जाता है जदों उन्हां तों सवाल कर दिता जाता है कि आखिरकार की तुहानूं पता है भगत सिंह दा जन्म कदों होया सी। मान साहब ने कहा, स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने कि उह पिछली वारी इह बदलता सी, शहीद आजम भगत सिंह की कुरबानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर चुक गया, बेशक वह पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है, बेशक आने वाली है, लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह के नाम ना देनी ठीक है, वह नवा शहर होंगी है और इन्होंने बहुत ही मैं समझता कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होगी। चंगा होगा कि जे असी छुट्टी की बजाय उस दिन स्कूलों कॉलेज ऑफिस के शहीद आजम के नाम के बारे लोगों को दसिया जाए, कई जो बच्चे है पीढ़ियां है किदा कुरबानी की कितने कितने जेल च रहे, साढ़े वाले चो नहीं पूरे पता कि कितने कितने होया। मैंने लगता कि मेरी बेनती है मुखाली साहब साढ़े राही कि उस दिन अगर पूरा दिन शहीद राजा जी ये भी मेरे दिमाग च है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਮਦਿਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 28 ਸਤੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।